विजयदशमी का पर्व है प्यारा, इसे मनाता है जग सारा। क्यों हम सब ये पर्व मनाते, आओ तुमको आज बताते। कोई कहता इसे दशहरा, कोई कहता है विजयदशमी। दो नाम है इस उत्सव के, कुछ तुम्हें सुनाए। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, इस उत्सव की कथा महान। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की पावन जब दशवीं तिथि आती, इस दिन इस त्योहार को हंसी खुशी के साथ मनाते। जीत हुई थी और अधर्म की हार हुई थी, सत्य सत्य से जीत गया था, धर्म का सूर्य उदय हुआ था। बुराई से जीती थी अच्छाई, धर्म ध्वजा जग में फहराई। राम ने लंका पति को मारा, इस दिन जानता है जग सारा। मुझको अपनी पत्नी बनाओ, तज सीता मुझको अपनाओ। क्रोध में आके तब लक्ष्मण जी सुर्ख नखा की नाक थी काटी, कटी नाक लेकर वो अपने छलांग में कूद के सागर। खोज करी सीता की आगर। अशोक वाटिका में माता पाई, दैत्यों से हुई खूब लड़ाई, खुद को कटुवचन सुनाए। क्रोध में आकर के रावण ने आग लगाई उनकी पूंछ में।
दिन को प्रभु राम के प्यारे उत्सव रूप में मनाते सारे बुराई के रूप में पोतला जलाते प्रभु राम का सुमिरन गाते नौ दिन के होते नवराते दसवें दिन विजयदशमी मनाते जिस दिन विजयदशमी होती शासुर का कर डाला सब देवों ने खुशियां मनाई महिषासुर मर्दिनी कहलाई विजया माँ का नाम है दूजा इसीलिए दुर्गा की पूजा विजय को सारे करते पर्व के रूप में इसे मनाते इसके विषय में और कथाएं बहुत से हमको तथ्य बताएं उनमें से कुछ अन्य कथाएं शिव शंकर भोले भंडारे सती थी जिनकी पत्नी प्यारी इनके पिता ने यज्ञ कराया यज्ञ में इनको नहीं बुलाया बिना निमंत्रण यज्ञ में कुछ नहीं जाना क्रोध में आकर देवी सती ने इसी दिन अग्नि में भस्म हुई थी
भगवान श्री राम की जय, गंगा मैया की जय, विजया दशमी की जय। मेरे पूजनीय भक्तजनों, वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का सूचक दशहरा अन्य त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है। दशहरे का नामकरण रावण के 10 सिरों से भी है। दशहरे का नामकरण गंगा जी के धरा पर अवतरित होने से भी है। दशहरा त्योहार अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आइए आज आपको दशहरे की एक प्यारी सी पावन सी कथा सुनाते हैं। आप सुनकर धन्य हो जाएंगे, हम कथा को सुनाकर धन्य हो जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। दशहरा के मन भावन एक कथा सुनाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परंपरा ये चली युगों से सार बताते हैं, हाजी सार बताते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। शुक्ल दशमी के दिन भक्तों था बुधवार, हस्त नक्षत्र पावन समय में गूंज उठी जयकार। सब नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा जी कहलाई, स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में इस दिन ही आई। 10 पापों को नष्ट करे जो तरण तारिणी है, शिव की जटा में खेल रही माँ पाप हारिणी है। इसी तिथि को दशहरा हम प्रेम से कहते हैं, प्रभु राम के सेवक हम सब प्रेम से रहते हैं। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन पर्व मनाते हैं, हम सभी पर्व मनाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। अश्विन शुक्ल दशमी को ही होता उदय तारा, विजय काल का शुभ मुहूर्त जाने जग सारा। सब कार्यों की सिद्धि करता माना जाता है, इसीलिए त्योहार ये विजयादशमी कहलाता है। सायंकाल में विजय मुहूर्त यात्रा है उत्तम, भृगु ऋषि ने बतलाया था ना संशय ना गम। सभी राशियां सायंकाल को हो जाती अनुकूल, विजया देवी के पूजन को कभी न जाना भूल। श्री राम ने पूजा की थी लेख बताते हैं, हाँ जी लेख बताते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। Thank you.
जो दशमी व्रत को करता है प्राणी। हर कदम पे मिले सफलता होती ना हानि, मन के चाहे सभी उद्देश्य मानव पा जाता। श्री राम की भक्ति का रंग उस पे छा जाता, दशों दिशाओं के पूजन से मिलती सफलता है। प्रभु राम की भक्ति का जो जादू चलता है, परिपूर्ण होते हैं कार्य, घर में सुख आता। नीलकंठ के दर्शन करना शुभ माना जाता, दशमी व्रत को करिए जो सफलता चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। महाभारत में एक छोटी सी कथा है इस प्रकार, पार्वती ने शिव भोले से पूछा करके विचार। दशहर त्योहार के बारे भगवान बतलाओ, क्या फल मिलता इस व्रत से ये भी समझाओ। बड़े ध्यान से सुन रहे भोले पार्वती की बात, मन की इच्छा पूर्ण करने लग गए भोलेनाथ। नक्षत्र के उदय होने से बन जाते हैं काम, अश्विन शुक्ल दशमी के दिन पूजन आठों याम। आगे सुनिए भोले शंकर क्या समझाते हैं, हाँ जी क्या समझाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम महिमा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति दुश्मन की हो हार, इसी समय प्रस्थान करे वो होगी जय जयकार। इस अवसर पर श्री राम ने की जो चढ़ाई थी, गढ़ लंका को जीत लिया था, विजय ही पाई थी। इसी तिथि को शमी वृक्ष से शस्त्र लिए उतार, तन पे धारण किए अर्जुन ने जाने सब संसार। पार्वती ने बात सुनी तो फिर ये किया सवाल, अर्जुन वाली बात बताओ शिव शंकर महाकाल। पार्वती को देख के भोले मंद मुस्काते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। को जब दुर्योधन ने जुए में हराया था, दो
दोनों में एक शर्त लगी थी ये समझाया था। 12 वर्ष तक प्रकट रूप से दिया तुम्हें वनवास, वर्ष 13वें गुप्त रहोगे शर्त लगी ये खास। 13वें अगर तुम्हारा पता लग जाएगा 12 वर्ष वनवास दोबारा टल ना पाएगा। अस्त्र शस्त्र तो शमी वृक्ष पे टांगे अर्जुन ने, राजा विराट के घर की नौकरी कष्ट बड़ा मन में। छुप छुपा के किसी तरह वो समय बिताते हैं, हाँ हाँ समय बिताते हैं। विजयादशमी त्योहार की आओ कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। विराट भूप का पुत्र था एक प्यारा उत्तर कुमार, अर्जुन लग गया उनके संग गौओं का पहरेदार। थोड़े समय के बाद वो अस्त्र शस्त्र उतारे थे, कौरव बंधु हरा दिए जी युद्ध में सारे थे। पांडवों ने दशमी के दिन भक्तों किया कमाल, पार्वती को वृतांत ये सुना रहे महाकाल। विजय काल में शमी वृक्ष का करते हैं पूजन, पार्वती ने बात सुनी तो करने लगी वंदन। मन का सारा संशय भोलेनाथ मिटाते हैं, भोलेनाथ मिटाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। इस स्कंद पुराण के अनुसार जो इस दिन करता दान, किसी नदी सरोवर में वो जाकर करे स्नान। प्रेम भाव से अर्घ दे और संग में कर तर्पण, 10 पापों से छूट ही जाता कहते हैं ब्राह्मण। दशहरे को शास्त्र पूजन ये भी है विख्यात, लोग पुराने बतला गए वो झूठी नहीं है बात। देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को हराया था, द्रौपदी का वरण भी भक्तों इस दिन हो पाया था। महाभारत का युद्ध भी इस दिन शुरू बताते हैं, हाँ जी शुरू बताते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। रावण के कुल 10 सिरों का इस दिन हुआ हनन, सत्य के प्रतीक राम का करते सभी मनन। विजया देवी के पूजन का पूर्ण कहे विधान, शमी वृक्ष भी पूजा जाता पूजे सब विद्वान।
इस दिन दरवाजे पे फूलों की सजती वंदनवार, हंसी खुशी से सभी मनाते दशहरा त्योहार। गंगा के पानी में खड़े हो मंत्र रटते हैं, प्रभु राम की कृपा से सब संकट कटते हैं। संध्या समय हम रावण के तो पुतले जलाते हैं, हाँ हाँ पुतले जलाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। दशमी के दिन व्रत करे जो पाए उत्तम फल, प्रभु राम के पूजन से ही विपदा जाए टल। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे अवतारी भगवान, श्री राम के कारण भक्तों पूर्ण हो अरमान। दशहर का पावन दिन जब साल में आता है, पापों का प्रतीक रावण जलाया जाता है। कमल सिंह श्री राम की पूजा कभी नहीं बिसरे, डगमग डगमग डोलती नैया परले पार उतरे। भूल चूक कोई कथा में हो तो माफी चाहते हैं, आपसे माफी चाहते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम महिमा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भोपार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भोपार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भोपार हो जाए। नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना,
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भूल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए। सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। वीर हनुमान, जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है, जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमेरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। सुमेरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। है उनके दिल में बसे श्री राम, वो सीना फाड़ दिखलाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में घील लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाए, पुत्र रूप में राम को पाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाए, पुत्र रूप में राम। अवध में जन्म लिए श्री राम, जो पावन धाम कहलाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में
बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुनके भगवान विष्णु प्रभु श्रीराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। राम की असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। अंत में दर्श दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नलनील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नलनील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम, वो पत्थर डूब ना पाए। शबरी बैठी आस लगाए,
कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था, फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम। भगत के वश में हुए भगवान, वो जूठे बेर भी खाए। राम ही पूजा, राम सिवा नहीं जग में दूजा। सुबह भी राम, शाम भी राम, राम ही भक्ति, राम ही शक्ति, राम नाम से मिलती मुक्ति। जो भी जपते राम का नाम, राम ही मोह है, राम ही माया, कण कण में है राम समाया। राम नाम सभी पाप जलाए, महामंत्र मुनि विषय ब्याल की, जपत ही मिटत कुअंक भाल की। जन्म मरण का संशय गयो, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखेउ रामा। राम नाम से प्राणी तरते, जब जब होई धर्म की हानि। बाढ़ेउ असुर अधम अभिमानी, तब तब राम लिए अवतार। राम ही मारे, राम दुलारे, संकट से प्रभु राम उबारे। भक्त जनों के राम ही ईश्वर, जल के ऊपर सेतु बनाए। राम नाम पत्थर तैराए, राम की चरण धूलि जो पाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम के वट को तारे, जब तू सारे जग से हारे। छोड़ दे नैया राम सहारे, बन के आएंगे पतवार। राम नाम जप कीजिए, तज ममता अभिमान। ज्यो ज्यो जप आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। मर्यादा में जीना सिखाए, सबके हृदय में राम समाए। सबसे बड़ा है जग में नाम, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, हरि हर कथा विराजत बेनी। बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई,
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उनि बंदउ शारद सुर सरिता सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी महावीर विनवौ हनुमाना रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते जनक सुता जग जननी जानकी राम भगत हित नर तन दारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपत अनयासा भंजेउ राम आपु भव चापु भव भय भंजन राम प्रतापु निशिचर निकट दले रघुनंदन नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि नारद जानेउ राम प्रतापु कहौं कहां लगी राम बड़ाई राम न सकहिं नाम गुण गाई नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन अचरज नहीं मानहु जिनके विमल विचार राम नाम ही केवल अपना माया मोह जगत सब सपना बंद जुबा की खोल के ताला भक्त पे जब जब संकट आया राम प्रभु ने आके बचाया भक्त प्रहलाद का संकट टारा भक्त विभीषण शरण में आया राम ने उसको गले लगाया सुग्रीव के बने सहारे राम नाम की महिमा भारी अति मनोहर मंगलकारी जो जन राम नाम गुण गाए ब्रह्मा शिव भी दर पे आते राम शरण में शीश झुकाते नारद ने जप राम का कीना राम नाम है जग का सार सबके जीने का आधार अन्नदाता धनदाता राम नर और नारायण है राम तुलसी के रामायण राम गीत और संगीत भी राम राम शरण में ध्यान लगाया वैदेही ने राम को पाया जन्म जन्म मुनि जतन कराही जो जन करे राम की भक्ति उसको मिलती अनुपम शक्ति राम नाम जप के हनुमाना राम नाम कपि जब जब लीना पल में पार समंदर कीना सुरसा बदन पैठ विस्तारा राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताओगे प्राण जाए जब छूट महावीर को रोक न पाई हार के सुरसा शरण में आई राम दूत लंकिनी ने रोका अक्षय कुमार को कपि संहारे राम नाम ले लंका जारे सीता माँ का पता लगाए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बक्सर में यज्ञ करने को ठानी ताड़का सुबाहु राक्षस आए
राम नाम में शक्ति अपारा, जाने विदित सकल संसारा। राम कृपा जग जननी जान की, राम नाम जो निश दिन गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, श्री राम जय जय राम, जब भजो तब राम ही राम। आते जाते जय श्री राम, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। शारदा शरण में शीश झुकाए, राम पिता की आज्ञाकारी। राम देखी हर्षित महतारी, सारे अयोध्या के नर नारी। गणिका गिद्ध अजामिल तारे, पापी को भी राम उबारे। अंत में राम जो मुँह से कहता, सदाचार श्री राम सिखाए। सत्य सनातन धर्म बचाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। राम नाम जो भी जपे, जन्म सवारथ हो। जग है भिखारी दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम। दुखियों के दुख पल में मिटाए, राम पिता का वचन निभाए। छोड़ अयोध्या वन में आए, राजा से बन गए वनवासी। रथ पे जब सुमंत बैठाए, सबकी नैना नीर बहाए। दशरथ खुद को रोक न पाए, अत्रि मुनि के आश्रम आए। आदर सहित मुनि बैठाए, तप ज्ञान वैराग्य सिखाए। अनसुईया माँ पतिव्रता नारी, संग में देखी सिया सुकुमारी। पतिव्रता का पाठ पढ़ाई, भरत जी जब ननिहाल से आए। राम विछोह को सह नहीं पाए, चित्रकूट को दौड़े आए। कह कई लौटा देगी वर को, लौट चलो भैया तुम घर को। भरत जी बहु भांति समझाए, सिर पे खड़ाऊं आँख में पानी। भरत जी ले चल राम निशानी, राम खड़ाऊं का पूजन कीना। राम राम कहि राम सहारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम नाम ही यंत्र तंत्र है, जात पात पूछे नहीं कोई। राम भजे सो राम के होई, सबके दिल में है श्री राम। राम जपो आधो घड़ी, घड़ियों में पुनिया। राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। वेद पुराण सभी ने माना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना। राम की निंदा सुने जो काना, मन में बसेंगे जब श्री राम। बन जाएंगे बिगड़े काम, विश्वामित्र अयोध्या आए। विश्वामित्र मुनि मुस्काए, राम को बहु भांति समझाए। ताड़ का सुबाहु दुराक्षस रहते,
राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ, ताड़का सुबाहु कुमार गिराओ, विश्वामित्र की आज्ञा पाए, तीर धनुष श्री राम उठाए, तनिक नहीं प्रभु देर लगाए, राम नाम ही एक अधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा, राम नाम से जो प्रीत लगाए, धरती पे हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी जब उत्पात मचाए, आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम, दीन दुखियों के भाग्य विधाता, संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे, राम कृपा से सब कुछ मिलता, देख लो करके राम की भक्ति, मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति, जिस पे राम कृपा बरसाए, राम कृपा से जीव का होता है उद्धार, अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार, पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदि मध्य और अंत है राम, सीता जी के प्यारे राम, हर दूषण को मारे राम, सभी संकट से राम बचाए, गुण देते अवगुण हर लेते, भक्त जो चाहे वो वर देते, राम नाम अनमोल रतन है, राम ही करे राम करवाए, राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे, जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई, राम जपे जो मन जित लाई, राम से सागर पार न पाया, राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया, बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम, राम ही ब्रह्म है राम ही ईश्वर, चारों वेद के सार है राम, श्री हरि के अवतार है राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, जा पर जा कहूँ संकट होई, निश्चय राम ही सुमिरे सोई, पल में संकट दूर हो जाए, संत हित को लिए अवतारा, हर दूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार, राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप, क्रोध में लंका पति गुस्साया, कुंभकर्ण को जाके जगाया, कुंभकर्ण योद्धा बलवाना, रण में सन्मुख राम के आया, बहुत ही सेना मार गिराया, विभीषण को पकड़ के छोड़ा, बोला रण में भले मर जाऊं, लेकिन कुल द्रोही न कहाऊं, भीषण गर्जन किया बलशाली,
युद्ध में सन्मुख राम जी आए, कुंभकर्ण को मार गिराए। सुना मेघनाथ बलवान नागपाश का किया संधान, राम लखन हुए मृतक समान। सुन के सूचना गरुण जी आए, वीर लखन मेघनाथ कुमारे, श्री राम रावण संहारे। लंका विभीषण को दीना, 14 वर्ष वन में बिताए। सब असुरों को मार गिराए, सीता जी को अयोध्या लाए। मार के सारे पापी तारे, पापी तर गए राम सहारे। धरती के सभी पाप मिटाए, राम की अमृत धारा को सुने जो ध्यान लगाए। दुख दरिद्र सब कट जाए, राम शरण वो पाए। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले चाहे रखो अपना बना कर, दे दो प्रभु दे दो सजाया इनाम। ओ मेरे अलबेले राम, चुका हूँ अपनी अकल लड़ा कर, थक भी चुका हूँ अपनी शक्ति लगा कर, अपना प्रभु अपना संभालो इंतजाम। ओ मेरे अलबेले राम, मुझको बना लो प्रभु अपना पुजारी, निस दिन सेवा करूं मैं तिहारी,
करो दर्शन। करो दर्शन तेरा सुबह शाम, ओ मेरे अलबेले राम। जग में सबसे बड़ा राम प्रभु का नाम, सबके मनोरथ सिद्ध करें सियापति श्री राम। जीवन नैया जो फंसे तेरी बीच मझधार, छोड़ दे नैया राम सहारे, राम करेंगे पार। कष्ट सताए जो कोई भजो रे मन श्री राम, सारे कष्ट मिट जाएंगे लेते पावन नाम। रामायण जो भी पढ़े राम में मन को रमाए, उसके बिगड़े काम बने जीवन सफल हो जाए। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हो राम भजे होए त्रिविध कल्याण। काम क्रोध मद लोभ मरे मन का मिटे अंधकार, राम नाम रटते रहो भरे ज्ञान भंडार। इस जग में दो चीज है, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति हो पैसे से हर काम। राम नाम का जाप करो प्राणी सुबह हो शाम, आयु बल विद्या बढ़े मिले मान सम्मान। सारे मुँह मोड़ ले सूझे न कोई उपाय, नाम भजो श्री राम का प्रभु लेंगे अपना। राम नाम ही सत्य है मिथ्या सब संसार, राम ही तारे राम उबारे राम करे भव पार। राम नाम के कीर्तन से सुखी रहे परिवार, दूर हो मन की दुर्बलता जागे उच्च विचार। राम नाम के जपने से मिटता है अभिमान, राम कृपा से निर्धन भी हो जाता धनवान। से रक्षा करे शत्रु से राम बचाए, करते दूर कुसंगति को जीवन सरल बना।
राम नाम किस्मत चमकाए सपने करे साकार। राम की जिस पे हो कृपा बढ़ता रहे व्यापार। भव बंधन को दूर कर मुक्ति दिलाते राम। सबका भाग्य विधाता है पावन प्रभु का नाम। राम नाम को लूट ले लगे न कोई दाम। शुरू से लेकर अंत तक राम ही आए काम। प्रभु के भक्तों की कभी न होती हार। विजयी हो हर क्षेत्र में राम की महिमा पार। सुख शांति वैभव बढ़े हर दिन बढ़ती आए। पूर्ण हो मनोकामना राम जो होए सहाय। भक्तों पे दया सदा करते दया निधि श्री राम। श्री राम के नाम से बनते बिगड़े काम। श्रद्धा सहित श्री राम का करता जो गुणगान। यश कीर्ति वैभव मिले चमके सूर्य समान। नाम लेकर करे दीन हीन को दान। धन उसका कभी ना घटे जग में बने महान। राम के चरणामृत का जो भी करे रस पान। राम की उस पे हो कृपा कभी ना हो परेशान। भोग में तुलसी डाल कर जो प्रसाद को चढ़ाए। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो मन चाहा फल पाए। जहाँ हो प्रतिमा राम की वहाँ न शोक समाए। पूजन से श्री राम के घर भी स्वर्ग हो जाए। बोलिए जय सियाराम। भक्तजनों, राम जन्मभूमि अयोध्या का संपूर्ण वर्णन संभव नहीं, जिस नगरी के कण कण में श्री राम का वास है उसका गुणगान करना असंभव है। परंतु फिर भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको पसंद आएगा। फिर भी यदि इस वर्णन में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। रघुकुल सघराना
शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा, ओ त्याग भरत जैसा, सीता सीनारी हो, सीता सीनारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो।
निर्मल जल धारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। प्रगटे श्री राम रघुनंदन श्री राम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, जहाँ व्यापक है ब्रह्म निरंजन, जहाँ व्यापक है ब्रह्म निरंजन, जहाँ व्यापक है ब्रह्म निरंजन, प्रकटे है दृग खंजन अंजन, प्रकटे है दृग खंजन अंजन, लखलाजत लखलाजत जिनको कोटि के काम, सुंदर राज महल की शोभा, सुंदर राज महल की शोभा, सुंदर राज महल की शोभा, चंचल जनमानस मन मोगा, चंचल जनमानस मन मोगा, जग छाए रहो शोभा दीयति कान, मात कौशल्या अंकन सो है, मात कौशल्या अंकन सो है, मात कौशल्या अंकन सो है, चंचल अंजन मेरो मन मोगे, चंचल अंजनी मेरो मन मोगे,
करुणा रस नभ घन सुंदर श्याम। जब प्रगटे श्री राम रघुनंदन श्री राम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। किस रूप में आकर पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में।
तय कर पाना क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा अच्छा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल तय कर पाना क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा अच्छा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन का अभिमान है झूठा यह तो आने जाने है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आने जाने है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही, ओ राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, रघुवर दया कीजिए। हे रघुवर दया कीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम। एक अवसर हमें दीजिए, एक अवसर हमें दीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर
नाम अमृत के प्याले भरे। नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे। हमें कह दो कि लो पीजिए, हमें कह दो कि लो पीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं। प्रेम धागे से अब सीजिए, प्रेम धागे से अब सीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अजी अपने भक्तों की सुध लीजिए। आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल। एक बार सही रीझिए, एक बार सही रीझिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अजी अपने भक्तों की सुध लीजिए।